हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोग पता नहीं कब से तो फ़ोन चला रहे हैं लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। कई बार हमारे पास किसी का कॉल आता है, हम कॉल कर रहे होते हैं, कॉल पर बात कर रहे होते हैं, कई बार हमारी बात इतनी लंबी हो जाती है, मान लो 10-15 मिनट आधे घंटे की, तो बीच में हमारे पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मतलब कॉल आती है, हो सकता है हमारे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई ऐसी सीरियस इंफॉर्मेशन हो जो आपको अर्जेंट रिसीव करनी होती है, मतलब आपको पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आपका कॉल क्या होता है बेटे, उसमें बिजी चल रहा होता है, कॉल बिजी, वो सामने वाला परेशान हो जाता है, अभी इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, फ़ोन कट करता है, दोबारा लगाता है, फिर बिजी आ जाता है। और कई बार फ्रेंड हमने देखा है अभी बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है, अभी कॉल कर रहे होते हैं उसके बीच में ऊपर से एक पॉपअप आ जाता है, अभी आपको ये पर्सन या ये बंदा या बंदी आपको कॉल कर रहा है, अगर आपको जल लगता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसका कॉल आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको होल्ड रख के उसको आप रिसीव कर सकते हो। तो कई बार किसी फ़ोनों में ऐसा होता है भी उसका ये ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होता, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके उसमें एक्टिवेट है तो बहुत बढ़िया, अगर आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो कैसे करो, अगर आपका डीएक्टिवेट है आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, आप चाहते हो भी मेरे अगर मैं किसी को कॉल करूँ तो मेरे पास भी ऐसा मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाए कि अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना, ये पूरा कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फ्रेंड बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे घर में या आसपास बहुत सारे ऐसे यार दोस्त होते हैं या अपने होते हैं जिनके साथ कोई अर्जेंट होता है भी हमें कॉल करनी पड़ जाती है, लेकिन हमारा फ़ोन तो हम किसी और के साथ लगे हैं, हमारा फ़ोन तो बिजी आ जाता है। तो आज की वीडियो देखना, मैं आपको बताता हूँ उसको आपने कैसे एक्टिवेट करना और कैसे डीएक्टिवेट करना। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपने फ्रेंड क्या करना है, कॉल वेटिंग को कैसे आपने मतलब के एक्टिवेट करना है, जहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ फोन के ऊपर जाना है, फोन के ऊपर जैसे हम चले गए तो जहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है, फोन सेटिंग के ऊपर जाके आप जहाँ से भी निकाल सकते हो, आप सेटिंग में जाके कॉल सेटिंग के ऑप्शन पे भी जाके आप इसको निकाल सकते हो। जब कॉल सेटिंग में फ्रेंड हम चले गए हैं तो जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको वीडियो बना दूंगा जो आपके काम की होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल वेटिंग के बारे में, ठीक है फ्रेंड, मतलब कि जब भी हम कॉल करें हमारा फोन बिजी ना आए, हमारे पास उसका पॉपअप आ जाए दूसरी अगर कॉल कर रहा है, मान लो मेरे पास दो सिम है, अगर हम दोनों सिम पे करना चाहते हैं, जो मेरे पास जियो का सिम है, जहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ इसको कॉल वेटिंग को हमेशा जिसका ऑफ रहता है तो जहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, जहाँ टर्न ऑन कर देंगे। जब भी हम फ्रेंड किसी से बात कर रहे होंगे तो जहाँ से अपने पास एक दूसरी कॉल का पॉपअप आ जाएगा, अभी ऐसी एयरटेल का है, एयरटेल का भी अगर हम इसको कॉल वेटिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो मैंने दोनों पे एक्टिवेट किए हुए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड, तो इस वजह से आप भी यहाँ से इसको एक्टिवेट करके रखना है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको जहाँ से ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फ्रेंड आपको मैं ये सेटिंग से भी दिखा देता हूँ, सेटिंग में भी कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, जहां पे अगर आप उसमें जाओगे तो जहां पे आपने कुछ नहीं करना, जहां ऊपर सेटिंग पे सिर्फ कॉल डाल देना है, ठीक है फ्रेंड। जहां से मैं एक CALL कॉल करके डाल देता हूँ, जहां पे कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग पे जाएंगे, जहां कॉल वेटिंग पे जाके आपके पास जो भी सिम है दोनों के आपने एक्टिवेट करके रखो, इसके बाद आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करना आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।